ब्लॉक की साप्ताहिक बैठक के थी रोजगार सेवक ग्राम पंचायत सेक्रेटरी पीए मनरेगा का स्टाफ सभी के साथ बैठक थी। तो कई सारे मनरेगा के जो योजनाएं कार्य चल रहे हैं उसके कई सारे संदर्भों में कई सारे बिंदुओं पर हमने डिटेल चर्चा की और कुछ ग्राम पंचायतों के रोजगार सेवकों को हमने वेतन बाधित किया है, 4-5 रोजगार सेवकों का वेतन बाधित किया है और आवश्यक निर्देश दिए कि अगली बार कोई भी किसी तरह की कोताही बरती गई तो संबंधित रोजगार सेवक के खिलाफ FIR कराई जाएगी। इसके अलावा मिठौरा ब्लॉक में हमारे सामुदायिक शौचालय है उनको सर्टिफिकेट जाता है, तो यहाँ पे मिठौरा ब्लॉक में हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाया है SIG के लिए जिसमें स्वच्छता किट के माध्यम से हम हर सामुदायिक शौचालय वो कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने बोला है कि उसको अच्छे से स्ट्रेंथन कीजिए। 21 जून को योगा दिवस का आयोजन किया जाना है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में 300 लोगों को कम से कम योगा का आयोजन किया जाना है। तो सभी सेक्रेटरीज को बताया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में हमारे मनरेगा पार्क के मैदान स्टेडियम बने हैं वहाँ पर 300 से अधिक लोगों को कराएं, बाकी सभी पंचायत भवनों में पंचायत सचिवालयों में कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार ये योजना चलाई है जो हर गांव में पॉपुलेशन में वो जीरो कुछ ऐसे हैं कि जो है वो पुराने को जो है निजी दिखा सकते हैं लेकिन दो तरीके के योजनाएं चल रही है। एक तो अमृत सरोवर का है माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमारे जिले में 200 से अधिक अमृत सरोवर बन रहे हैं। जिले का टारगेट 75 का था लेकिन 200 से अधिक चल रहा है, जियो टैगिंग हो रही है उसका भारत सरकार से भी मंजूरी हो रही है। इसके अलावा मेरा तालाब मेरी आजीविका के संबंध में व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी मत्स्य पालन के थ्रू तालाब खुदाई कराया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी मछली के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और उनको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्तीय समावेशन का प्रयास पूरा किया जाएगा। एंड टू एंड उनको आजीविका प्रदान की जाएगी। हमारे जनपद में 4,438 परिवारों को हम इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं और अभी ये योजना चल रही है। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को भी 30 क्षेत्र पंचायत 3 तालाब लेने हैं, जिला पंचायत 5 तालाब लेने हैं। उसमें राज्य वित्त से और केंद्रीय वित्त से मशीनरी और इसकी अलाउ होती है क्योंकि उसमें पक्का काम कराया जाना है तो उसको हम इसमें अलाउ करते हैं, लेकिन मनरेगा के अंतर्गत कोई मशीनरी किसी प्रकार की अलाउ नहीं होती है। इस संबंध